हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग कलेंचू प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सामने दिख रहा है। कलेंचू के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, तो जो भी लास्ट विंटर में मेरे गार्डन में फ्लावर्स खिले थे, रेड और येलो कलर की बहुत हैवी फ्लावरिंग हुई थी प्लांट में, तो मैं उस फ्लावर्स की पिक भी दे दूँगी जो मेरे गार्डन में फ्लावरिंग हुई थी। तो आप देख पाएंगे कि कितनी हैवी बंचेस में फ्लावरिंग हुई थी। अब इस बार मैंने फिर से कुछ कटिंग्स लगाई हैं कलेंचों की, तो उनकी कटिंग जो लगाई थी वो ईजिली ग्रो हो गई है। तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट विंटर के लिए इन्हें प्रिपेयर करना है, अच्छी सी ग्रोथ हो जाए, प्लांट अच्छा सा बुशी लुक में आ जाए। इसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि कैसे प्लांट को बुशी बनाना है, हेल्दी बनाना है, ताकि नेक्स्ट विंटर में प्लांट बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग कर पाए हमारे गार्डन में। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि क्या करना है। प्लांट को बुशी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी प्रूनिंग की जाए। प्लांट की जितनी बार प्रूनिंग करेंगे प्लांट उतना ज़्यादा बुशी होते जाएगा। देखिए, ये मेरे लास्ट ईयर का प्लांट है, ठीक है फ्रेंड। मैं जब इसमें लास्ट ईयर येलो कलर के फ्लावर्स खिले थे तो यहाँ पे एक ब्रांच थी। जब फ्लावर स्पेंट हो गए तो मैंने यहाँ से देखिए कट कर दिया था यहाँ से, तो इतनी सारी ब्रांचेज हो गई। लेकिन जो भी ब्रांचेज है ना, उनके नीचे जो स्टेम है वहाँ से और भी ब्रांचेज बन के नहीं आ रही, बल्कि सिंगल सिंगल स्टेम है। देखिए, सारी स्टेम सिंगल हैं। तो मैं इसे फिर से कटिंग करूँगी। ऊपर जितनी भी लंबी स्टेम हो गई है इनको यहाँ से कट करके, और इसमें जो पॉट खाली है ना, जहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ मैं फिर से लगा दूँगी। तो ये समझ लीजिए कलेंचू की नेक्स्ट विंटर के लिए प्रिपेयरिंग है कि उससे हमें हैवी फ्लावर कैसे लेना है। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला प्लांट जो है, मैंने अभी कुछ दिन पहले इसकी प्रूनिंग कर दी थी। देखिए, मैंने यहाँ से कट करके ये अलग अलग ब्रांचेस लगा दी। देखिए ये, तो देखिए पास से मैं दिखा देती हूँ, ये न्यू सूट्स बन के आ रहे हैं। एक ब्रांच कट किया तो दो सूट्स बन गए, यहाँ से दो सूट्स बन गए, और अभी और भी इसमें सूट्स बन रहे हैं। तो आप चाहे तो इसे अदर पॉट में भी लगा सकते हैं, एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। लेकिन ये 7 इंच का पॉट है, इसी को मुझे ज़्यादा ब्रांचेस से भरना है, बुशी लुक देना है। तो ये ब्रांचेस से तो बुशी हो ही रहा है प्लांट, लेकिन ये वाली जो ब्रांच कट की थी इसी में लगा दूंगी, तो पॉट जो है पूरा पॉट भर जाएगा और प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा, बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगी, तो इसमें हैवी फ्लावरिंग होगी। तो बस यही करने वाली हूँ मैं आज। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, ये जो ब्रांच है ना, देखिए ये ब्रांच है, इसे मैं यहाँ से कट करूँगी। ये नोड एरिया होता है, नोड एरिया से कट करना चाहिए, जस्ट यहाँ से। देखिए, हमेशा नोड एरिया से, जहाँ पर लीफ टूट के गिर गई हैं ओल्ड वाली लीव्स, वहाँ से कट करेंगे। इतनी लंबी ब्रांच नहीं लेनी होती, यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ बहुत तेज़ी से रूटिंग हो जाएगी। इस तरह से मैं 2-3 ब्रांचेस लेके आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने इसे भी कट कर दिया। अब एक लीव्स यहाँ से हटा देंगे, जो हिस्सा मिट्टी में जाना है, और क्या करेंगे, इसी, देखिए ये पॉट खाली लग रहा होगा ना आपको, मैंने ये कटिंग लगाई थी। ये सिंगल पेटल ऑरेंज कलर का फ्लावर है, ये मेरे पास नहीं था, तो मैं कहीं से कटिंग लेके आई थी, लगा दिया था, तो ये इजली लग गया। इस तरह से होल करेंगे। आप चाहें तो इसे अदर पॉट में भी लगा सकते हैं, कटिंग को बहुत इजली हो जाएगी, लेकिन मुझे ये पॉट में खाली स्पेस है, यहीं पर लगाऊँगी। तो एक छोटा सा होल कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा ये रूटिंग हार्मोन मेरे पास है, देखिए ये रूटिंग हार्मोन है, इसे आप लगा लेंगे। और ये देखिए, लगा लिया मैंने। अब इसे मिट्टी में लगा के 1 से 1.5 इंच मिट्टी में लगा देंगे इसे, और अच्छे से प्रेस कर देंगे, बस हो गया। स्पेशली ये वीडियो मैं आजकल क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आजकल रेनी सीजन चल रहा है, बहुत सारी कटिंग मैंने ग्रो की हुई है, सभी सक्सेसफुली ग्रो हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि एक जो कलेंचू की कटिंग लगाने का वीडियो है वो भी बना देती हूँ, और प्लांट को बुशी कैसे बनाना है ये भी अपने दोस्तों को बता देती हूँ। ये लगा दिया मैंने, दो कटिंग की, दो प्लांट मैंने इसी में लगा दिया। ये देखिए, ये कुछ अदर कटिंग्स हैं, इसे भी मैंने कटिंग से ग्रो किया। सकुलेंट प्लांट है, कभी भी आप इसकी कटिंग लगाए ना, तो थोड़ा धूप में ही रखें, 2-4 घंटे की धूप मिलेगी तो कटिंग गलेगा नहीं, ज़्यादा लो लाइट में रख देंगे तो कटिंग गल के ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह मैंने बहुत सारी कटिंग ग्रो की हुई है, छोटे छोटे ग्लासेस में, बॉटल्स में। तो जब ये कटिंग ग्रो हो जाती है तो आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर लीजिए। तो इस तरह आप कलेंचों की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं, और इस तरह से इसे बुशी भी बना सकते हैं। तो ये है तरीका प्लांट को बुशी बनाने का। एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, आजकल प्लांट में बहुत तेज़ी से पेस्ट लग रहे हैं। जो कलेंचों का प्लांट है फ्रेंड, बहुत तेज़ी से उसमें पेस्ट लग रहे हैं। देखिए, इस तरह से इनकी लीव्स गलती जा रही है,
इनमें छोटे छोटे ग्रीन कलर की कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं और वो धीरे धीरे पूरी लीव्स को खा जाते हैं अंदर ही अंदर और आपका पूरा प्लांट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी दिखे आपको, अगर आपके प्लांट में एक भी लीव इस तरह से खराब होते हुए दिखती है तो आप उस पर या तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए या किसी पेस्टिसाइड का। मैंने मेरे प्लांट में बहुत बार ऐसा हो चुका है तो मैं तो डेली इनको चेक करती रहती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई। तो मुझे एक दो ऐसे पेस्ट दिखे थे जो मैंने अभी आपको बताया, ग्रीन कलर के बिल्कुल छोटे छोटे से, तो मैंने इस पर पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया तो अब नहीं लगता। तो मैं थोड़े थोड़े दिन पर इन पर पेस्टिसाइड स्प्रे करती रहती हूँ, जितने भी मेरे 8-10 कलेंचो के प्लांट हैं उन सब पे, तो उसमें पेस्ट नहीं लगता। अगर आपके प्लांट में किसी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स दिख रही है ना तो प्लीज़ आप कलेंचो के सभी प्लांट पे पेस्टिसाइड या नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो ये जितनी भी लीव्स खराब हो रही है वो रुक जाएंगे। तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर ना करें, अपने प्लांट पे पेस्टिसाइड का यूज़ या नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। तो बस फ्रेंड ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको ऐसी ही मिलती रहे और आप उसे देख के अपने गार्डन के प्लांट की केयर करते रहे। जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।